1992 में आज ही के दिन नीदरलैंड्स में मास्त्रिश्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। मास्त्रिश्ट संधि के जरिए यूरोप समुदाय के 12 देशों के मंत्रियों ने मास्त्रिश्ट में मिलकर राजनीतिक और आर्थिक सहयोग की ओर बड़ा कदम उठाया था। यह संधि 1 नवंबर 1993 को प्रभाव में आई। दरअसल पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट राज के घटते असर और जर्मनी में पूर्व और पश्चिम के बीच दीवार गिरने की वजह से यूरोप को विश्व में फिर से मजबूती से स्थापित करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। सभी सदस्य देश ये भी चाहते थे कि वे विकास के रास्ते पर साथ आगे बढ़ें। इसी संधि की वजह से आगे चलकर एक समान मुद्रा यूरोप के कई देशों ने अपनाई, जो यूरो कहलाई। संधि में इस बात पर जोर दिया गया था कि सभी सदस्य देशों में मुद्रा स्फीति संतुलित हो और कर्ज जीडीपी के 60% से ऊपर न जाए। 1945 में आज ही के दिन जर्मनी के खिलाफ युद्ध की योजना तैयार की गई थी। एक तरफ ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ और दूसरी तरफ जर्मनी। चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन के बीच काले सागर इलाके के पास स्थित एक गुप्त स्थान पर बैठक हुई। बाद में से याल्टा या क्रीमिया सम्मेलन का नाम दिया गया। यह बैठक 11 फरवरी को खत्म हुई। दोनों ही गुट एक दूसरे को हराने की तरकीबें ढूंढ रहे थे। तीनों देशों के बीच समझौता हुआ कि वो जर्मनी को हराने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने जर्मनी पर कब्जे की योजना बनाई और नाजीवाद खत्म करने की घोषणा भी की। 1964 में आज ही के दिन ब्रिटानी रॉक बैंड द बीटल्स के सदस्य अपने पहले भ्रमण पर अमेरिका पहुंचे थे। कैनेडी हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए 3000 प्रशंसक मौजूद थे। कई लोग अपने स्कूल, कॉलेज, काम छोड़कर वहां पहुंचे थे। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिस पर लिखा था, हमें आपसे प्यार है, आप कृपया यहीं रहिए। अमेरिका के बाजार में अपनी जगह बनाने वाला बीटल्स पहला ब्रिटानी संगीत बैंड था। कहा जाता है कि जब ये बैंड एक टीवी शो पर आया तो अमेरिका में अपराध दर अपने 50 सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई और करीब 40% अमेरिकियों ने कार्यक्रम देखा। और 1908 में आज एक दिन प्रमुख क्रांतिकारी और मशहूर लेखक मन्मथनाथ गुप्त का जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला में आत्मकथात्मक, ऐतिहासिक व गल्प साहित्य की रचना की है। गुप्त मात्र 13 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। 1925 के प्रसिद्ध काकोरी कांड में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। ट्रेन रोककर ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने वाले 10 व्यक्तियों में वो भी शामिल थे, जिसके लिए उन्हें 14 वर्ष के कारावास की सजा हुई। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, क्रांति युग के अनुभव, चंद्रशेखर आजाद और विजय यात्रा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।